बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खुद विवादों में घिर गए हैं, उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है। कार्तिकेय सिंह की खबर आने के बाद जेडीयू में भी दागी मंत्रियों पर घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने अपनी पार्टी पर हमला बोला है। शपथ के 24 घंटे के भीतर बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की आपराधिक कुंडली खुली तो बवाल मच गया। पटना से दिल्ली तक जुबानी जंग तेज हो गई। राजनीतिक पलटी के लिए मशहूर हो चुके नीतीश कुमार चौतरफा हमलों से घिर गए। हालांकि नीतीश और लालू दोनों इन आरोपों से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कानून क्या जवाब देंगे आप? आपको तो सरेंडर करना था ना। आपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता, ठीक है। आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, जब वारंट है कि नहीं है। ये फर्जी कागज है कि आप सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं, तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको ही। जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं। आरोप है कि 2014 के अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को सरेंडर करना था, लेकिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि बाद में ये खबर भी सामने आई कि दानापुर कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह को 1 सितंबर तक के लिए राहत दे दी थी। हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन कार्तिकेय सिंह की मुसीबत कम नहीं हो रही। महागठबंधन में भागीदार सीपीआई एमएल ने नीतीश और तेजस्वी से कार्तिकेय की नियुक्ति पर फिर से विचार करने की मांग की है। उधर कार्तिकेय का मामला खुला तो जेडीयू में भी उठापटक तेज हो गई। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेसी सिंह जो है वहाँ से धमधा से विधायक है, बार बार उनको मंत्री बनाता है और इसका दुरुपयोग वह करते हैं। अवसर में जो है कि रंगदारी वसूलना, अवसर में धमकाना चमकाना, अवसर सब भी डर जाते हैं। हम लोग को कई बार फोन करते हैं कि मैडम मुख्यमंत्री जी के करीबी है, इसलिए हम लोग को डर लगता है कि क्या महिला है, क्या बोल देगी, क्या कर देगी मुख्यमंत्री जी से कह करके। जब भी आरजेडी की बात होती है, जंगल राज की चर्चा शुरू हो जाती है। सरकार में आरजेडी की एंट्री होते ही जिस तरह मंत्रिमंडल में दागी विधायकों की एंट्री हुई है, सुशासन बाबू की छवि रखने वाले नीतीश कुमार के लिए यकीनन मुश्किल स्थिति है। सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और इसी घटनाक्रम के बीच कल लालू यादव पटना पहुंचे और घंटे भर के अंदर नीतीश कुमार उनके आवास पर मौजूद थे। अरसे बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो लंबी बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने सेहत का हाल जाना तो लालू यादव ने सियासत की चाल समझाई। बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल के बाद दो दिग्गज नेताओं की पहली मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच करीब 35 मिनट तक चली मुलाकात की इन तस्वीरों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट किया। लालू यादव के पटना पहुंचने के एक घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने खुद बाहर आकर नीतीश कुमार की अगवानी की। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर सीधे उस कमरे में गए जहां लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ मौजूद थे। नीतीश कुमार अपने सबसे भरोसेमंद करीबी विजय चौधरी के साथ लालू से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार को देखते ही लालू खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार का स्वागत किया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार पहली बार मिल रहे थे। राबड़ी देवी के आवास से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव को गुलाब देकर उनका हाल पूछा। लालू यादव ने कहा, पहले से ठीक हैं, आगे भी सब ठीक रहेगा। सेहत का हाल और सियासत की चाल अपने अंदाज में बताने वाले लालू यादव के इस अंदाज पर ठहाके लगे। मुलाकात के दौरान लालू यादव बेहद खुश नजर आ रहे थे और भोजपुरी में बात कर रहे थे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को भोजपुरी में ही इधर उधर नहीं जाने की सलाह दी और सबके अभिभावक के तौर पर सबको साथ लेकर चलने की नसीहत दी। नीतीश कुमार हंसते हुए सब सुन रहे थे।
नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ नए मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा की। लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी। पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। आवास पर भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। सेहत को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को दूर से ही लालू प्रसाद यादव से मिलने दिया गया। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात की तस्वीरें महागठबंधन की नई सरकार के लिए नया भरोसा देने वाली हैं। सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।